सर्दियों में बेमौसम बरसात के बाद थोड़ा मौसम खुलने से देश की मंडियों में सरसों की आवकों में बढ़ोतरी हो रही है। नई सरसों की आवकों में तेजी के साथ पुरानी की डिमांड भी ठीक देखने को मिल रही है। तेल मिलों की ओर से सरसों की डिमांड अच्छी बनी हुई है। तेल मिलों के पास सरसों का स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, जिससे सरसों की खरीद लगातार जारी है। मंडियों में ज्यादा आवकें आने से कीमतों में कुछ नरमी जरूर आई है, लेकिन कीमतें अभी भी ठीक बनी हुई हैं और एमएसपी से ऊपर ही हैं। जयपुर में कंडीशन सरसों के भाव में हल्की नरमी आकर भाव 7,975 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल रह गए, जबकि भरतपुर मंडी में सरसों के दाम 7,665 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए। जानकारों के अनुसार उत्पादक मंडियों में करीब 2.25 लाख बोरी सरसों की आवक हुई, जिसमें नई की आवक 1.5 लाख बोरी से ज्यादा की थी। सरसों के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी कटाई तेज होने से सरसों की आवक बढ़ रही है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक दैनिक आवकों में और बढ़ोतरी होगी। वहीं व्यापारियों के अनुसार मौसम अनुकूल रहा तो आगामी दिनों में नई सरसों की दैनिक आवक बढ़ेगी, जिससे कीमतों पर दबाव तो बनेगा, लेकिन मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों में 18 फरवरी से फिर मौसम खराब होने की भविष्यवाणी की हुई है, जो कि एक चिंता का विषय भी है। इस समय सरसों की कटाई चल रही है तथा ऐसे में मौसम खराब हुआ तो नई फसल की कटाई तो प्रभावित होगी, साथ ही ओलावृष्टि आदि हुई तो फिर पकी हुई फसल को नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए आगामी दिनों में सरसों की कीमतों में तेजी मंदी आवकों के साथ साथ काफी हद तक मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करेगी। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।